अल्फाबेट्स का सेट होता है, इसी तरह से आउटपुट रेफरेंस का सेट होता है, आउटपुट सिग्मा। नंबर 4, अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विद स्टेट्स एंड डायरेक्टेड एजेस लेबल्ड विद लेबल्ड बाय एन इनपुट लेटर अलोंग विद एन आउटपुट कैरेक्टर। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें स्टेट्स होती हैं लेबल्ड, और बिल्कुल उसी तरह से ट्रांजिशन होती हैं, जस्ट विद अ डिफरेंस कि उसमें स्टेट्स के साथ आउटपुट करेक्टर्स लेबल्ड होते हैं, इसमें इनपुट करेक्टर्स के अगेंस्ट आउटपुट करेक्टर ट्रांजिशन पे ही लेबल्ड होते हैं। द डायरेक्टेड एजेस ऑल्सो शो हाउ टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर कोरेस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉसिबल इनपुट लेटर। तो जो डायरेक्टेड एजेस होते हैं, डायरेक्टेड एजेस मीन्स एरोज वाले एजेस हैं, तो वो हमें बताते हैं कि एक स्टेट पे कोई भी इनपुट करेक्टर्स की बेस पे किस स्टेट पे मूव करना है और किस लेटर की बेस पे, और उसकी बेस पे आपका आउटपुट करेक्टर भी डिफाइन होता है। तो ट्रांजिशन टेबल इस केस में देना मुमकिन नहीं है, इसलिए मूव ऑन करते हैं। मूर मशीन जो है वो काफ़ी हद तक मीले मशीन जैसी ही है, इसमें भी फाइनल स्टेट नहीं होती, इसलिए एक्सेप्टेंस का तसव्वुर नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप डिफाइन किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरह से इनिशियल स्टेट भी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा इनिशियल स्टेट से ही शुरू हो, मशीन मूर मशीन की तरह ही ऑन ऑफ हो सकती है और रीस्टार्ट हो सकती है। इसलिए जिस स्टेट पे ही भी वो ऑफ हुई होगी उसी से दोबारा शुरू होगी। सो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, सिग्मा है A, कॉमा बी, आउटपुट सिग्मा है 0.1, एक मीले मशीन गिवन है। इसकी बेस पे अगर आपके पास आउटपुट हो ए बी बी ए बी 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 ए, तो वो किस तरह से काम करेगी, उसके काम करने का तरीकाकार इस टेबल के थ्रू गिवन है। Q0 इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट पे आपके पास आउटपुट कुछ भी नहीं होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी टू मूर मशीन, उसमें क्योंकि स्टेट के साथ इनपुट लेटर प्रिंट होता है इसलिए पहली स्टेट के साथ ही आउटपुट आ जाती है। इसमें हर ट्रांजिशन के साथ आउटपुट लेटर प्रिंट होता है, इसलिए Q0 पे A आएगा तो Q1 पे जाएंगे और A के अगेंस्ट 0 प्रिंट होगा, और Q1 पे B आएगा तो Q2 पे आउटपुट 1, Q2 पे B आएगा तो Q3 पे आउटपुट 1, Q3 पे A आएगा तो Q3 पे ही आउटपुट 1, Q3 पे B आएगा तो Q0 पे आउटपुट 1, Q0 पे B आएगा तो Q3 पे आउटपुट 0, Q3 पे B आएगा तो Q0 पे आउटपुट 1, Q0 पे A आएगा तो Q1 पे आउटपुट 0। तो मीले मशीन में जो इनपुट की लेंथ होती है आउटपुट की भी वही लेंथ होती है। तो Q0, Q1, Q2, Q0 जो है वो स्टार्ट स्टेट है, सिग्मा A कोमा B, और आउटपुट क्या है 0, 1। तो यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, इसमें अगर आप इनपुट देंगे इसमें एक खूबी है इस मशीन की, इट इज ऑब्जर्व दैट इन द अबव मीले मशीन इफ इन द आउटपुट स्ट्रिंग द nth कैरेक्टर इज 1, it shows that the nth letter in the input string is the second in the pair of double letters.
इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इनपुट में डबल लेटर आएगा तो हर सेकंड लेटर के अगेंस्ट वन प्रिंट होगा, अदरवाइज सारा जीरो प्रिंट होगा। तो आपकी इनपुट इसके अगेंस्ट ये आउटपुट मिलेगी। इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल है, इसमें सिर्फ एक ही स्टेट है क्यू जीरो, इनपुट सिग्मा है 01 और आउटपुट सिग्मा है 01। इफ 00110010 इज रन ऑन दिस मशीन देन द कोरिस्पोंडिंग आउटपुट स्ट्रिंग विल बी 1100101, जिसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन है, इसको अगर जीरो मिले तो उसको वन कर देती है, वन इनपुट मिले तो उसको जीरो कर देती है। तो ये वो चीज़ है जो कि आप शुरू में बताई गई थी कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक रिलेशन आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसमें हमें ये पता चला कि ये कौन सी मशीन है, कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन है। तो ये था मीले मशीन, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है मूर और मीले में। जो मेजर फर्क है वो यही है कि मूर में स्टेट के साथ आउटपुट लेटर प्रिंट होता है, जबकि नीले मशीन में इनपुट लेटर की जब ट्रांजिशन होती है उसके साथ आउटपुट लेटर प्रिंट होता है, और मूर मशीन में जो आउटपुट है वो इनपुट के मुकाबले में एक करेक्टर ज़्यादा होती है, जबकि नीले मशीन में जो इनपुट के जितने करेक्टर्स हैं उतने ही आउटपुट के करेक्टर्स होंगे।